Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप किस तरीके से घर पे अपने बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, अपने बॉडी से जो डेड स्किन सेल्स है, इम्प्यूरिटीज है, उसे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाना इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट नाउडेज. आपको टॉप टू टो एकदम टिप टॉप रहना हमेशा जरूरी है और बहुत ही मिनिमम स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे ही आपका जो बॉडी स्किन है वो काफी ज्यादा हेल्दी लुकिंग, यंगर लुकिंग और ग्लोइंग रहती है. जो मैं फॉलो करती हूँ, यू ऑल नो संडेस को मेरा फुल पैम्पर रूटीन चलता है और मैं आजकल संडेस को इस्तेमाल कर रही हूँ. ये बॉडी ब्राइटनिंग स्क्रब फ्रॉम हुस्न हेवन, दिस इज देयर बॉडी ब्राइटनिंग स्क्रब. ये 200 ग्राम्स का ये बड़ा वाला टब है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि जो बॉडी स्क्रब्स होते हैं, जो बॉडी केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इस तरीके से टब पैकेजिंग में आने पर ना काफी ज्यादा इजी हो जाता है इस्तेमाल करना, क्योंकि फिर ट्यूब पैकेजिंग में उसे फिर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है. सो इसका पैकेजिंग काफी स्लीक पैकेजिंग है, क्लासी पैकेजिंग है, विथ ब्लैक एंड व्हाइट विच आर रियली क्लासी कलर्स. और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर फ्लैक्सीड ऑयल है. फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होने की वजह से वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हमारे स्किन को भी काफी इम्प्रूव करता है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है. इसके अंदर आमंड ऑयल है, वॉलनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. सो दीज ऑयल्स हेल्प इन नरिशिंग आवर स्किन. एट द सेम टाइम ये जेंटली एक्सफोलिएट करता है और एक खूबसूरत सा ग्लो छोड़ता है, स्किन को टाइटन करता है, जिसकी वजह से अगर आपके हैंड्स एंड लेग्स पर रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, जो कि ज्यादातर हम फेस करते हैं, यू नो, अगर आप लेट 20s में है फिर भी आप देखेंगे कि आपके हैंड्स एंड लेग्स की जो स्किन है ना, वो काफी जल्दी रिंकल पड़ जाती है उन स्किन में. तो अगर आप इस तरीके का एक बॉडी स्क्रब जिसके अंदर इतने सारे बेनिफिशियल ऑयल्स है, तो आप इस तरीके का एक बॉडी ब्राइटनिंग स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे क्या है कि स्किन में जो नेचुरल ऑयल सिक्रीशन है वो उसको नहीं खींचता, वो उसको नहीं लेता, बट ये आपके स्किन को एट द सेम टाइम नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है. और इसके अंदर और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि नीम एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है. तो नीम, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, नीम एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल एजेंट है. उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमारे स्किन में रैशेज वगैरह क्रिएट नहीं करता. और कई बार ऐसा होता है कि स्क्रब्स वगैरह इस्तेमाल करने पर स्किन में रैशेज हो जाती है, फिर स्किन में रेडनेस या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, विच अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर नीम एलोवेरा है जो कि सूदिंग एंड कामिंग के लिए काफी अच्छा है. सो मुझे इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट काफी अच्छी लगी, क्योंकि जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें है, दोज आर रियली बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन. और इसका जो कंसिस्टेंसी है, जो टेक्सचर है, वो काफी माइल्ड है, तो ये आपके स्किन पर कट्स वगैरह नहीं क्रिएट करेगा. इस बॉडी ब्राइटनिंग स्क्रब के अंदर किसी भी तरीके का हार्श डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, फोटोकेमिकल्स, पैराबेंस, सल्फेट्स नहीं है. सो दिस इज टोटली सेफ टू यूज ऑन योर स्किन. ऑल्सो इसके जो पार्टिकल्स है वो इतने ज्यादा माइल्ड है कि आपके स्किन में ये कोई भी इरिटेशन या रैश की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता. बहुत ही इजीली ये स्किन पर ग्लाइड होती है. आप अपने डैम्प स्किन में इसे स्क्रब कीजिए. आप इसे वीकली 2 to 3 टाइम्स भी स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो काफी माइल्ड है. एंड आपको इस तरीके से अपने लेग्स एंड हैंड्स ऑल ओवर बॉडी पर इसे अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज करना है सर्कुलर मोशंस में. ज़्यादा हार्श मत कीजिए, जस्ट माइल्डली मसाज कीजिए. इस तरीके से मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एक अलग सा ग्लो भी आता है स्किन में. जेंटली इसे स्क्रब करना है, हार्श तरीके से मत स्क्रब कीजिए. इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी अच्छी है, टेक्सचर काफी अच्छे है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बीट्स है विच आर रियली माइल्ड एंड स्मॉल. और आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा टब आपको अफोर्डेबल रेट में, काफी अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगी. तो जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी. इनके प्रोडक्ट्स को मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, तो जो भी लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. डू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड हाँ, आप चाहे तो उनके इंस्टाग्राम पर भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी है. तो आप उन्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी है, तो आप उनके इंस्टाग्राम को अगर फॉलो करेंगे तो आप डेली नोटिफाइड रहोगे कि क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स है, क्योंकि आई जस्ट लव्ड दिस प्रोडक्ट, दिस स्क्रब. तो ये इंडियन ब्रांड है, टोटली लोकल इंडियन ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया ही है.
तो आप इस तरीके का इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे इसे इस्तेमाल करके काफी अच्छा ही लगा है। और आप इसे ना अपने क्लीन हैंड्स एंड लेग्स पर अप्लाई कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू शावर, और इसे अप्लाई करके थोड़ा सा स्क्रब करके जस्ट आप 1 to 2 minutes के लिए वैसा ही छोड़ दीजिए। और इसे मेन विमेन टीनेजर सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट फील होती है, काफी ज्यादा टाइटन फील होती है। अगर आपकी स्किन में ड्राई पैचेस है वो भी ये दूर कर देता है, बिकॉज ये डेड स्किन सेल्स को इजीली रिमूव कर देता है, एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो या आई वुड हाईली रिकमेंड दिस स्क्रब टू एवरीवन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।